हाय गाइस, वेलकम बैक टू लाइव ट्रेडिंग व्लॉग। तो आज हम नॉन डायरेक्शनल प्लान कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा गैप डाउन दिखा रहा है मार्केट। 150 पॉइंट्स अराउंड गैप डाउन है, तो अगर ओवरनाइट डीके नहीं होता तो हम नॉन डायरेक्शनल प्लान करेंगे, और डीके होता है तो डायरेक्शनल करेंगे, प्रीमियम बढ़ते तो करेंगे। तो गाइस, अभी हम ऑफिस में आ चुके हैं और बहुत बड़ा गैप डाउन दिखा रहा है। अराउंड कितने पॉइंट है गैप डाउन? 350 पॉइंट बैंक निफ्टी में ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा है गैप डाउन इतना कैसा, मतलब ट्रैप किया है लॉन्ग। 400 पॉइंट्स से दिखा रहे हैं। ओके, तो बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट्स, निफ्टी में अराउंड 160 पॉइंट्स कुछ तो है। हाँ, तो बहुत बड़ा गैप डाउन है और पिछले वीक में ब्रेकआउट दिया था ऊपर की तरफ, और अभी ऐसा बड़ा गैप डाउन डायरेक्टली 41,000 के नीचे बैंक निफ्टी ओपन हो रही है। तो यहाँ पे बहुत पैनिक क्रिएट होने वाला है, तो डेफिनेटली आई भी बढ़ेंगे ऐसा लग रहा है। देखते हैं, नॉन डायरेक्शनल में लेते, रिस्की भी रहेगा बिकॉज पैनिक बढ़ता है तो ओपनिंग के बाद फिर से बड़ी मूवमेंट भी हो सकते हैं और नीचे की तरफ भी जा सकता है जोर से, बिकॉज अभी गैप डाउन बहुत बड़ा है और उसके बाद एक पैनिक आता है तो एक अगेन फॉल हो सकता है। और एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास भी ओपन हो रहा है, तो वहाँ से भी शॉर्ट सेलिंग आ सकती है, स्टॉप लॉस उड़ सकते हैं, तो देखते हैं, रिस्क थोड़ा सा लेना पड़ेगा। अभी ऊपर भी जा सकता है, कुछ कह नहीं सकते हम, थोड़ा न्यूट्रल पोजीशन लेना पड़ेगा। डेल्टा न्यूट्रल ही लेने का प्लान है मोस्टली, हम नॉन एक्सपायरी डेज को कर देने ही है, पैनिक है तो देखते लग रहा है करेंगे आज। और 20,000 रिस्क है हमारी, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, आपके पोजीशन लेने के बाद हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 9:40 और करंट पोजीशन हमारी आज बैंक निफ्टी में 40,500 का पुट और 40,600 का कॉल, ये दो शॉर्ट है और 550 क्वांटिटीज है, और अभी 11,000-12,000 प्रॉफिट अभी चल रहा है। तो बैंक निफ्टी देखो सीधा नीचे जा रहा है, सीधा नीचे, तो बहुत माइनस करना पड़ा, बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़े। तो यहाँ पे देखो सीधा नीचे, तो हमने एक कॉल से बहुत ज़्यादा रिस्क ले लिए और पुट रिस्क ऑफ भी किया है बहुत सारा, दो तीन बार किया है ना, तो इसके वजह से मैनेज हुआ है ओवरऑल, अभी प्रॉफिट चल रहा है, तो ज़्यादा लॉस नहीं हुआ था। अराउंड मैक्स कितना गया था? 15,000। और गलती से हमने 750 क्वांटिटीज डाली थी, बैंक निफ्टी करते नहीं था थोड़ा, हाँ नहीं करते तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, अंदाज़ नहीं था क्वांटिटी का। और ये पुट देखो गाइस, ओपनिंग के बाद ओपन ही हुआ था, मतलब परसों कल की क्लोजिंग थी 135, ओपन हुआ 252 और अभी हाई मार रहा है 513। तो नए ट्रेडर संभाल के रहो, नॉन डायरेक्शनल करते हो तो, बिकॉज बहुत ही मतलब कैपिटल भी एकदम ड्रॉ डाउन हो सकती है। हमने इतना मैनेज किया है ओपनिंग के बाद। ओ आज क्या हुआ था, 750 क्वांटिटीज लिए थे ना और एंट्री ले ली और डायरेक्टली हमें दिखा 8,000 लॉस, 10,000 लॉस, कैसे ऐसे मैनेज कर दिया। अभी 40,800 के स्ट्रैडल से 40,500 शिफ्ट किया है सिर्फ 15 मिनट में, इतने फास्ट एडजस्टमेंट, बहुत सारे बहुत खतरनाक था आज। ये थोड़ा फोकस नहीं हो रहा था, ठीक। तो अभी 12,000 चल रहा है, देखते अभी कुछ इंबैलेंस होता है तो देखते। अभी कॉल रिस्क ऑन करने वाले, कॉल 40,500 पे लाएंगे अगर नीचे जाता है सीधा, तो कितना नीचे गया देखते क्या होता है। बहुत ही पैनिक, हाँ ना, बहुत ही जा रहा है नीचे। और भाई हो गया ट्रेड? हाँ ट्रेड हो गया, 14,000 प्रॉफिट बुक किया है, बिकॉज मूवमेंट ऊपर की तरफ भी बड़ी मूवमेंट है और ये जो एक कैंडल है ना इसके बाद कॉल भी ब्लो हुआ, तो ओवरऑल डीके भी हुआ था ऊपर जाने के बाद, है ना, हमको यहाँ पे एडजस्टमेंट भी लगी थी तो फिर एडजस्ट किया और उसके बाद 14,15 दिखा एंड ओवरऑल प्रीमियम भी कम हो चुके थे। उसके बाद अगर रुकते और अगर मूवमेंट आती तो फिर से मैनेज करना पड़ता, और ऑलरेडी बहुत सारे एडजस्टमेंट ये फॉल में हो चुके थे, तो ज़्यादा कुछ ब्रोकरेज और इसके चक्कर में नहीं पड़ना था। एंड 20 का था टारगेट, बट डी के 6,000 के लिए ये पूरा रिस्क में नहीं लगा रहे थे, ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड कम था, तो नॉन डायरेक्शनल में ऐसा ही रहता है, इसकी वजह से हमने बुक करना यहाँ पे ठीक समझा। और अभी क्या चल रहा है, स्केचिंग? हाँ अभी स्केचिंग कर रहा हूँ, टारगेट ट्रेड तो हो गया, अभी किसका आई निकला है? मेरा ही। तो ट्रेड और स्केचिंग चल रही, ट्रेड तो हो चुका है, अभी क्या करेंगे? अभी करेंगे तो आज दूसरा ट्रेड नहीं करेंगे, आज बस हो गया, फ्राइडे वीकेंड,
आज क्लोज करेंगे वीक, मंडे से देखेंगे और डायरेक्शनल ट्रेडिंग। हाँ रील्स बनाते तो टाइम हुआ है 11:11 बज रहे आने बस बंद करो आज आता करो काहीतरी। हाँ 14,000 वीक एंड क्लोज मंडेला करो डायरेक्शनल ट्रेडिंग नॉन डायरेक्शनल पण डिपेंड्स किती प्रीमियम नाहीतर मंगळवारी आपला आहे परत फिन निफ्टी फिन निफ्टी करूया मंगळवारची जराशी अवघड वाटते फिन निफ्टी थोडीशी टफ आहे कंपेअर्ड टू निफ्टी। गेम खेळू गेम काय नाव मला माहित नाही बाबा टाइमपास आहे काय करायचं ब्लॉक आहे ना खाली जाऊन नाही जायचं आणि ऑब्स्टेकल असतात ना त्यापासून वाचायचं हा आणि वरती तर स्कोर दिसतो मला दिसत नाही बघू आपण कोणाचा थांब थांब काय काय अरे 46 खेळायचं तुम्हाला सांगणं थोडं डिस्टर्ब झालं आता खेळ स्कोर कोण हा स्कोर करतो बघू दोन चान्स देऊ आपण दोन की कुठले जास्त स्कोर होत नाही हा ठीक किती झाला स्कोर 400-500 नुसतं प्रॉफिट 600 प्रॉफिट सुटी का तो सगळीकडे प्रॉफिट दिसतो ना तुला चला 1,000 बुक केला आज आपला 14,000 प्रॉफिट तेवढा स्कोर करतो काय आता एवढं तर नाही पॉसिबल आता जमणार नाही मला अरे 1,200 आहे का तुझा बुक अजून एक ना चान्स प्रश्न खेळतो रे 1,200 हा स्कोर कौस्तुभ बघूया क्लिक माउस वर करतेस 1,200 आहे का हाय स्कोर खूपच स्लो आहे फास्ट खेळलं तू तर स्कोर वाढतो अच्छा ओके असं आहे का ते जेवढं फटाफट हे करशील ना ओके 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 तोडतेच वाटतं नाही 1,200 झालं ब्रेक यस प्रोफेशनल गेमर 1,500 चल 5,000 केला ना काय ना तुला एक आईस टी माझ्याकडून काय पाहिजे तुला काय पाहिजे अरे आता काय झालं ना जिंकलो मग आपण जिंकलं की बेट काय लावलीच नाही चहा देतो तुला एक चल 14,000 प्रॉफिट झाला चहा मागतोय का रे नाही आपण चहाच्या वर जात नाही मी ना तू हा मी तू जिंकलेलो पूल मध्ये कशाची पूलची पूल खेळ ना परत जाऊ कधीतरी तर काय आता झालंय आपलं काम पण झालं व्हिडिओ शूट झाले सगळं झाले ट्रेडिंग झालं
जेवण करू आणि मग जाऊयात घरी. तर आज 14,000 प्रॉफिट बुक केला आणि आता आपण डायरेक्टली भेटू मंडेला आणि हॅपी वीकेंड. तर आपला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि काही विचारत असेल तर कमेंट करा किंवा इंस्टाग्राममध्ये मेसेज करू शकता. व्हिडिओज लाईक करा, तुम्ही लाईक करत नाही कमेंट पण करा आणि इंस्टाग्रामला पण फॉलो करा, डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक आहे. आणि सपोर्ट करा आम्हाला. आपण आता उद्या एक व्हिडिओ टाकणार ना एज्युकेशन, उद्या एज्युकेशन आणि स्ट्रॅटेजी दोन व्हिडिओ टाक, सॅटरडे सकाळी चांगले असणार आहे ते. सबस्क्राईब करून ठेवा, सगळीकडे पाठवा आणि कमेंट करा, त्यामुळे आम्हाला पण मोटिवेशन मिळतं की चांगले व्हिडिओ बनवा.